वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हमने विंटर प्लांट्स के कुछ प्रिपरेशन ले रखी हो, वही मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर के कुछ लेट्यूस के सीड्स से मैंने काफ़ी सारे लेट्यूस हमने बना लिया, ये आपको दिखा रही हूँ मैं। बिल्कुल साग की तरह इतने सारे लेट्यूस मेरे सामने इस बार आए थे, ये देखे काफ़ी सारे, ये सभी रेड कलर के लेट्यूस है। लास्ट ईयर मैं एक वीडियो में आपको दिखाया था कैसे मैं घर के अंदर ही लेट्यूस की सीड से मैं थोड़ी बहुत लेट्यूस के प्लांट्स बनाए थे, उसी के सीड से मैंने इस बार भी काफ़ी सारे बना चुके हो। और एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए रेड ग्रेप्स की प्लांट है ये, तो छोटा छोटा ब्रांचेस काट के मैंने ये कटिंग लगवाया था, तो ऑलरेडी लग चुके हैं। और इसको भी यहाँ पर भी मैंने कुछ लगाया, ये सभी लेट्यूस है। बीच में ये सभी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी ये देखिए ये पिटूनिया, लास्ट टाइम जो मैंने विंडो साइड एक वीडियो देखा था विंडो साइड पिटूनिया प्लांट्स को, पिटूनिया फ्लावर काफ़ी सारे लगे थे, उसमें से काफ़ी सारे सीड्स मैंने कलेक्ट किए थे, तो उसी के सीड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी सीडलिंग छोटे छोटे आ चुके हैं, ये थोड़ी बहुत बड़े हो जाए तो मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। ये देखिए सफ़ेदा, और इसके पीछे मैंने एक चंपा भी, इसको भी ब्रांचेस काट के मैंने लगाया था, वो भी लग चुकी है। जहाँ भी आप देखेंगे सभी लेट्यूस के सीड्स है। ये देखे मैंने ये छोटा छोटा जो देसी हाइबिस्कस के प्लांट्स पानी में डुबो दिए थे, तो सभी के रूट्स आ रहे हैं। इसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स मैं बना चुकी हूँ इस बार। मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखूँगी, और मेरे अपने सिस्टर वो भी प्लांट्स के बहुत शौक रखते हैं, उसको भी देंगे। और एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये देखे ये है कदम्बों की पेड़, मैंने एक छोटा सा प्लांट्स लगाए थे, तो इसी के ही सीड से ये देखे कितने बड़े ये पेड़ बन चुके हैं। शायद इसमें फ्लावर आने में एक दो साल और भी लग जाएंगे, तो शायद आ ही जाएंगे। और मैं आपको अपना चीकू प्लांट दिखा रही हूँ, जो भी लोग अगर घर में चीकू की प्लांट रखते हैं, तो मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था चीकू फ्लावर आने के टाइम आप इसमें फर्टिलाइजर मत दें, तो अगर ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी इतने बड़े बड़े चीकू आ जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे चीकू इसमें लग चुके हैं, फुल्ली ऑर्गेनिक। इसमें छोटा छोटा फ्लावर आ रहा है, देखिए। और ये मेरी एक एवोकाडो की प्लांट्स है, ये देखिए ऑनलाइन से मैंने मंगवाए थे, ये मेरी एवोकाडो की प्लांट्स है ये, और दूसरी ये भी है। और मैं आपको एक स्टार फ्रूट की प्लांट्स दिखा रही हूँ, इसमें भी ये जो स्टार फ्रूट लगते हैं इसमें स्वीट स्टार फ्रूट लगते हैं, ये इसके फ्लावर,
और छोटे छोटे स्टार फ्रूट भी लगना शुरू हो गया है। इसमें भी काफ़ी सारे लग चुके हैं और बहुत ही स्वीट है ये। यहाँ पर भी है, और जो मेरी मैंगो प्लांट है वो भी काफ़ी सारे इसमें मैंगो हो रहा है। और एक इसको जम्बोरा बोलते हैं, थाई जम्बोरा, इसमें जब पकने से इसके अंदर भी बिल्कुल वाइट और सॉफ्ट रहता है, बहुत ही स्वीट। इसकी जो फ्रूट है बहुत ही स्वीट। और मेरी एक प्लम, इसमें ऑल टाइम लगते हैं इसमें, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है इसमें। ये देखे मेरी हॉक प्लम, ऑलरेडी मैंने इसमें से मैंने तोड़ लिया है। इसमें सलाद करे, चटनी इससे खाए, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। इस बार तो काफ़ी सारे मेरे यहाँ रोज़ खिले हैं। अभी विंटर आने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा देसी रोज़ एक खिले वाली है। ये मेरी दो अनानास की प्लांट है, एक मैंने ऑलरेडी पिक कर चुकी हूँ, और ये मेरी एक कनेर का प्लांट है। इसमें काफ़ी सारे फ्लावर आ रहा है इस टाइम, ये देखिए। और पुणे में एक मेरी नींबू का प्लांट है, ये नींबू आते हैं बहुत ज़्यादा। रुहियों की प्लांट्स है ये। यहाँ आप देखें काफ़ी सारे मैंने वो पम्पकिन का प्लांट्स लगा चुकी हूँ, ये देखिए। सीड से ही तैयार कर चुकी हूँ ये सभी प्लांट्स। डेली इसमें पानी देना पड़ते है। और यहाँ पर भी कुछ है, इसमें एक मैंगो ट्री है। इसमें अब देखिए ये सही मैंने पर ये इसमें छोटे से प्लांट में भी ये मैंगो आते हैं, बोनसाई प्लांट। और कल मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट्स खरीद के ले आए थे, तो ये सभी प्लांट्स, ये डालिया की मैंने चार डालिया ऐसे ही प्लांट ले आए थे, तो एक दो तीन चार। और कुछ इनका मैरीगोल्ड ले आई हूँ, अभी मैं इसमें पन्नी में ही है, मैं ट्रांसप्लांट नहीं किए है। यहाँ देखें मैंने एक सीम की भी पौधे लगा चुकी हूँ, और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो अपराजिता की प्लांट है। और मेरी छोटे छोटे वो कलर के डिब्बे में मेरी कुछ एडेनियम है, ये भी फ्लावर खिलते हैं। इधर देखें फ्रेंड्स, मैंने एक नागचंपा की कटिंग किए है, शायद लग चुके हैं, ये देखे। और यहाँ मेरी एक सीडलेस ब्लैक ग्रेप्स प्लांट है, ये मैंने ऑनलाइन से मंगवाए थे, तो अभी तक ये 7-8 महीना हो गया है इसकी, अभी तक इतनी बढ़ चुके हैं। और यहाँ मेरी एक कैमेलिया की प्लांट्स है, ये जो सर्दियों में खिलते हैं, और नीचे काफ़ी सारे साग इसमें उग चुके हैं। देखिए कितने सारे साग मैंने उखाड़ा नहीं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है इसलिए।
और मेरी एक ये भी बहुत बड़ा चंपा के फ्लावर प्लांट्स है, बीच में काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स है। ये यहाँ से भी मैंने कुछ प्लांट्स कल खरीद के ले आए थे, ऑलरेडी मैं पॉट कर चुकी हूँ इसमें। हम देखिए तीन चार लंबी स्नेक प्लांट है, एक रबर प्लांट है, कुछ ड्रैगन फ्रूट्स की प्लांट है, ये सीड से मैंने रेडी किए थे, और कुछ प्लांट्स या गुआवा की प्लांट्स है ये। आजकल मैं इसमें पानी कम दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी से प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लेते हैं। और ये एक दार्जिलिंग ऑरेंज है, मैंने ये भी ऑनलाइन से मंगवाए थे तो उन लोगों ने कहा था ये ग्राफ्टेड प्लांट्स है। मैंने घर में आके लाके देखा, ये सीड से ही इन लोगों ने रेडी किए थे। यहाँ भी कुछ प्लांट्स है, ये मेरी स्वीट पोटैटो की प्लांट्स है, कुछ तुलसी। ओवरऑल मेरी रूफटॉप गार्डन में यही सारे प्लांट्स है, इसको ही मैं अभी देखभाल कर रही हूँ। बालकनी में कुछ अलग भी प्लांट्स है, वो कभी देख आपको दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।